तो दिस इज द फाइनल लुक जो आ रहा है हाफ पैंट पहन के। हम लोग राइड का प्लान कर रहे हैं, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ पहली बार विद इंद्राणी। सो व्हाट्स योर नाइट होप ऑल ऑफ यू एक्चुअली फाइन, वेलकम बैक टू लाइव जिंदगी। अभी का सीन ऐसा हो रहा है ना, मतलब एक्चुअली द वेदर हियर इन कोलकाता इज रियली अनकंफर्टेबल, मतलब अनबियरेबल बताना तो गलत होगा, बट बहुत डिस्कम्फर्ट है यहाँ पे अभी। मतलब गर्मी एक तो है, बट उसके ऊपर क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक मिनट मतलब पंखा चल रहा है, दैट्स पसीने को नहीं रोक रहा है। गर्मी कम हो रहा है बट पसीना निकल रहा है, तो द स्वेट इज़ ओनली गेटिंग स्टॉप्ड इफ मैं एसी चला रहा हूँ। सो ऐसा सीन है अभी यहाँ का, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट 10 ईयर्स, मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट अनकम्फर्टेबल वेदर अभी जो फेस कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, क्योंकि मन कर रहा है कुछ करूँ ये वो, बट घर में बैठ रहा हूँ एसी चला रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐसा सीन है अभी यहाँ का। एंड ऑल्सो ये बात भी है कि सिंस द लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स मैं जिम करना बंद कर दिया हूँ बिकॉज ऑफ दिस हीट। बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसा नहीं होता है ना कि एसी जिस घर में, सिर्फ उस घर में जिम कर रहा हूँ, द इक्विपमेंट वो दूसरे घर में होता है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इस हीट में एक्सरसाइज करना। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक 10 बज रहे हैं, और धूप का प्रकोप देखो बहुत ज़्यादा है। बाय द वे जो दिखाने में बाहर आया हूँ वो है हमारे बगीचे का हालत, क्योंकि जो फूल वाले भैया थे एक टाइम पे वो पूरा चले गए, मतलब इट्स लाइक ऑफिशियली दे हैव लेफ्ट द बिजनेस, लेफ्ट द प्लेस। तो ये पूरा जो बगीचा है अभी खाली हुआ है, जो हरा हरा दिख रहा है वो सिर्फ घास है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, और जितना भी पेड़ पौधा दिख रहा है वो हमारा है। तो ये सीन है यहाँ का, तो देख के तो थोड़ा ख़राब लग रहा है, क्योंकि बहुत खूबसूरत रहता था नहीं है तो ये जगह, सिर्फ ये जगह नहीं, एकदम घर के सामने का भी एरिया, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, वो सामने का भी एरिया पूरा खाली हो चुका है। तो अब पता नहीं, हमारे पास एक दुकान खाली है, अगर किसी को भी चाहिए हो रेंट पे तो बता सकते हो, वी आर ओपन टू गिव इट ऑन रेंट। तो भाई आज का वीडियो टाइटल के बारे में बात करने से पहले, हमारे घर में कुछ दिन पहले एक पूजा हुआ था। हम बंगालियों में एक्चुअली लोकनाथ बाबा को काफ़ी पूजा जाता है, काफ़ी घरों में, तो हम उनमें से एक है। एंड आप देखते होंगे ब्लॉग में कि हम लोग उनके आश्रम में भी जाते हैं, तो वी आर अ भक्त ऑफ हिम। सो उनका पूजा था घर में छोटा सा करके, सो उसका क्लिप देखो, उसके बाद आज के बारे में बताते हैं। आज सुबह बहुत सारा काम है, अभी एक्चुअली आई थिंक 7:30 ऐसा कुछ बज रहा हो, 8 भी बज सकता है, मैं भूल गया हूँ, बट आज काफ़ी जल्दी उठाऊँ क्योंकि घर में पूजा है, तो थोड़ा फूल भी निकालना होगा पूजा देने के लिए, तो मम्मी ने वो काम मेरे को दिया है। तो एक्चुअली इस बार का जो पूजा हो रहा है ये स्पेशल है एक्चुअली, क्योंकि ये रह रही है एंड शी इज़ ऑल्सो बींग अ पार्ट ऑफ इट, तो दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल। हाँ, पहली बार थोड़ा निकल रहे हैं माला लेने के लिए, तो यहीं से ले लेंगे। वैसे तो हमारे घर का किचन ये है जहाँ पे दिन रात दोपहर खाना बनता है, बट जब पूजा का खाना बनता है तो हमारा जो ये वाला किचन है बाहर वाला, जिसको इस्तेमाल और किसी काम के लिए नहीं किया जाता है, वहाँ पे खाना बनाया जाता है। मम्मी को बोल रहा था कि मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं, इस गर्मी में खाना बनाना इट्स टू टफ नो, और उसके बाद अगर भगवान का बना रहे हो तो और ज़्यादा आइटम रहता है, बट मम्मी सेड नहीं, एक दिन तो मेहनत कर ही सकते हैं, बट मम्मी हर दिन ही करती है। पहली बार मैं कुछ खाना पका रही हूँ, इससे पहले भी मैंने रोटी पकाया है, लेकिन ऐसी कुछ मैं पहली बार बना रही हूँ, मम्मी के गाइडेंस है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो आता नहीं। तो अभी ये क्या था, मम्मी ने बोला मैं भूल गया, चना मसाला। सिर्फ इसको हिलाने को खाना बनाना नहीं बोलते, ठीक है। हाउ इज द वेदर इन हियर? पूजा अबाउट टू एंड, पूजा इन द सेंस हम लोग वैसे मतलब ब्राह्मण बुला के वो पूजा वैसा सीन नहीं होता है, हम लोग खाना देते हैं, मतलब घर में छोटा मोटा करते हैं। इतना सब कुछ मम्मी ने बनाया, अकेले मम्मी ने बनाया, ये मम्मी ने बनाया, ये मैंने सजाया है, ये मैंने सजाया, ये बापी ने सजाया है काट के, ठीक है। So that's the thing. ये देखो हमारे बगीचे के पास एक गिरगिट, बट मैंने ना अभी तक वैसा वाला गिरगिट नहीं देखा है जो मतलब रंग बदलता है। मेरे को तो ऐसा की हर बचपन में मतलब हर गिरगिट रंग बदलता होगा, बट मैंने अभी तक नहीं देखा है। देखा है तुमने कभी?
आई डोंट नो इफ दिस इज अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ गिरगिट और नॉट। यहाँ पे खाने बैठते हैं और रोज यहाँ पे 5-6 करके मक्खी आ जाती है। इस वाले एरिया से ना यहाँ पे पानी जम जाता है, कभी कभी वहाँ पे ड्रेन का ओपनिंग भी है, इसलिए यहाँ पे मक्खी आ जाता है और वो खाने में बैठेगा ही। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30 एंड हम दोनों बस बैठ के बस बातें कर रहे थे एंड शी हैड टू गो टू कोर्ट, बट अचानक से देखती है फ़ोन में मैसेज आ गया कि इस वीक, मतलब आज वेडनेसडे है तो इस वीक पूरा कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। तो आई वॉज टेलिंग कि फिर इस गर्मी में यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा, घूमें कहीं पर पहाड़ों जहाँ पे बर्फ हो। बर्फ नहीं मिलेगा बट जाए, मैं तो बहुत मन कर, आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है ना, बट इस बार का खर्चा ये देगी, इसने बोला था। तो मैं अभी नहा के आया क्योंकि और रहा नहीं जा रहा था गर्मी में, बट बाय द वे ये मेरा राइडिंग जैकेट, तो मैं सोचा कि ये कभी ये इंद्रानी पहनी नहीं है, सो आई थॉट कि इसको एक बार पहनने के लिए बोल के देखता हूँ ताकि पता चले कि शी कैन वेयर राइडिंग जैकेट। कितना भारी है, बहुत भारी है ना, इसका वेट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज़ BBG एक्सप्लोरर, बट इसका प्रोटेक्शन बहुत सही है, मतलब इस प्राइस पे आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। पहले तो इसका भार, फिर बाइक का भार, फिर हेलमेट का भार, ये पहन के एक बार वेट कराना अच्छा ही लग रहा है, टाइट फील हो रहा है, टाइट फील हो रहा है अभी से, नहीं नहीं टाइट लग रहा है कि नहीं ये बता, सब खुला हुआ है, टाइट नहीं लग रहा ना, हाथ हिला के देखो तो साइज का पता चलेगा फिर, साइज ठीक है ना, ये साइज इतना ही टाइट कर सकते हैं, शोल्डर थोड़ा कम हो, नहीं शोल्डर थोड़ा कम हो तब तो बहुत टाइट हो जाएगा, ज़्यादा तो है नहीं शोल्डर में, ये तो गार्ड है यहाँ पे, अच्छा ही दिख रहा है। आई बीन प्लानिंग कि मैं एक राइड पे जाऊँगा इसको लेके, इसके लिए कभी राइड पे गया नहीं हूँ मैं, सो इसलिए थोड़ा इधर उधर देख रहा था कि ये पहन सकती है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट आई विल डू अ राइड विदाउट दिस थिंग्स बेसिक गियर के साथ एंड देन अगर इसको भी अच्छा लगे एंड मेरे को भी लगे कि हाँ इट्स वर्थ इन्वेस्ट देन आई विल परचेस। तो दिस इज द फाइनल लुक जो आ रहा है हाफ पैंट पहन के, कैसा लग रहा है, सोचो राइडर लोगों को कितना तकलीफ होता है ये सब पहन के चलाने में, पहनोगी पहनना तो पड़ेगा लॉन्ग राइड में, ये पहन सकती हूँ फिर भी, लेकिन ये नहीं, तो हेलमेट नहीं पहन, मेरा वाला हेलमेट ठीक, वो हेलमेट हेलमेट नहीं है। तो अभी बहुत दिनों बाद ऐसा वेदर देखने को मिल रहा है, मतलब सूरज नहीं है, हीट नहीं है, बट हवा भी नहीं दे रहा, ऐसा ह्यूमिडिटी है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 ऐसा कुछ शाम के एंड यस जो टाइटल है हम लोग राइड का प्लान कर रहे हैं, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ पहली बार विद इंद्रानी, तो ये राइड इन द सेंस लाइक कहीं पे जा रहे हैं विद बाइक एंड वहीं पे स्टे कर रहे हैं एंड देन कमिंग द नेक्स्ट डे और 2 days लेटर, तो शॉर्ट राइड कह सकते हो या फिर लॉन्ग राइड तो कहना सही नहीं होगा, बट शॉर्ट से तो ज़्यादा ही है, मतलब मिड लेंथ राइड। ये मेरा बहुत पुराना कच्चा, इसी से बाइक को पोछा गया था, पोछा मतलब धोया था मैं बाइक को आई थिंक 2 दिन पहले, बट एक्चुअली क्या हुआ था ये जब सामान या मतलब ये बगीचा साफ किया जा रहा था तो क्योंकि ये पैसेज खाली करना था तो बाइक को बाहर निकाला गया था 3-4 दिन 5 दिन पहले, तो वहीं तब से बाहर ही था, तो 3-4 दिन 5 दिन से बाहर ही है बाइक, तो मैंने 2 दिन पहले इसको धोया पूरा एकदम वो कच्चे से, कोई उठा के नहीं ले जा सकता वो पता नहीं, तो मैं इसको धोया, बट यहाँ का क्या सीन है, हर जगह का सीन है, जो चिड़िया होती है वो जब गाड़ी बाइक इंसान इनको देखते हैं तो उनको अंदर से वो फीलिंग आता है कि नहीं इनके ऊपर सामान गिराना है, तो बाइक ने यहाँ पे सामान गिराया है, यहाँ पे सामान गिराया है, 2 दिन पहले धोया है फिर भी, ए बाबा, तो इसको फिर से अभी धो लूँगा मैं एंड इसको अंदर कर दूँगा। यहाँ पे एक पार्सल भी आया है, सो जैसे कि आपको दिख रहा है दिस आर द नी गार्ड, मेरे पास तो मेरा वाला था बट इसका नहीं था, सो आई बॉट दिस, सो दीज आर द 2 pairs ऑफ नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड, सो ये एल्बो के लिए है एंड ये नी के लिए है, तो एक बार पता चला कि ये एल्बो के लिए और ये नी, जो लंबा है वो नी के लिए, हाथ में पहन के देखो, ये तो यहाँ पे, अरे हाथ में पहन के देखो, तो ये प्रो बाइकर का ही लिया है मैंने, मेरा भी जो है वो प्रो बाइकर का है बट इसका क्वालिटी मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, द स्टिचिंग वगैरह जो भी है अच्छा प्रोटेक्शन देता है, इज़ अ वेरी स्टेनलेस स्टील का वाला बना हुआ है, सो इट्स रियली अ गुड फॉर प्रोटेक्शन। राइडिंग जैकेट एंड पैंट्स, पैंट्स तो मेरे पास भी नहीं है, मैं नी गार्ड पहन के चलाता हूँ, तो राइडिंग जैकेट पर इन्वेस्ट करने से पहले मैं सोचा कि पर लेट हर बी इन द राइड, क्योंकि अगर ये यूज़ टू हो ही नहीं पाती है, कोई कोई होता है कि बाइक राइड कर ही नहीं पाते, सो इन इफ दैट इज़ द केस देन वो तो मतलब फालतू का हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड देन लेट्स सी कैसा क्या होता है।
और तो बस कीप इट देयर, सामने ही दे दो एकदम। अंदर घुसाया था, अभी 7 बजने वाला है तो भूख लगा है, तो इसे थोड़ा ओट्स बना रहा हूँ मैं आज। रोज क्या खा रही हो? पाउडर दूध। मुंह दिखाओ एक बार। ऐसा दिख रही हो। तो अभी 8 बज चुके हैं एंड ओट्स खाया हमने, तभी हम लोग जा रहे हैं मेरा बाल कटाने। इसका कोई काम नहीं है आज, इसलिए आज मेरे साथ ही जा रही है। आज काफी टाइम लग गया, बहुत ध्यान से इधर उधर करके काट रहे थे, नहीं तो इतना ध्यान से काटते हैं। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ ठीक, आज मैं गई थी ना इसलिए ना, स्पेशल केयर। तो अभी यहाँ से मम्मी ने बोला कि रोटी और तड़का लेने के लिए, अभी काफ़ी गर्मी है, मम्मी को भी मन नहीं होता। मैं तो खुद गया हूँ ना खाना बनाने, मेरे को पता है कि कितना पेन होता है इस गर्मी में खाना बनाना। बाप रे बाप, कितना रोटी बोला था? 8 और एक प्लेट तड़का। चलो आई जस्ट रीच्ड होम एंड एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरा जो नी पैड है और नी गार्ड व्हाटएवर यू कॉल, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं एल्बो यूज़ नहीं करता था, वो मिला है क्योंकि जैकेट है मेरे पास। तो अब पता नहीं एक्चुअली क्या हुआ था, रजिस्ट्री के टाइम पे पूरा घर साफ किया गया था एंड बिफोर दैट आई वेंट टू राइड विद गियर्स ऑन October 2022। तो बहुत महीनों पहले मैं गया था। सो अभी कहाँ साफ करके मैंने रखा है, मम्मी पापा ने रखा है, आई कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग। उसके साथ मेरे बंजी कॉर्ड भी नहीं मिल रहा जिसका मैं सामान बांधता हूँ बाइक में। तो आज मेरे साथ फिर ऐसा एक सिनेरियो हुआ, मैं पूरा ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, मेरे को नहीं मिल। मम्मी एक बार गई, एक जगह गई, मम्मी को मिल गया। तुम 10 बार खोजे हो, कुछ नहीं मिला तुम्हें। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे को पता है।